नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नरेश कौर और उत्कर्ष क्लासेस में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है लिटरी टर्म्स या फिर फिगर्स ऑफ स्पीच। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड RPSC या सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या कोई सा भी एग्जाम कर रहे हैं, तो फिगर्स ऑफ स्पीच एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिगर्स ऑफ स्पीच से ही निर्धारित होता है कि एक बच्चा लिटरेचर को कैसे पढ़ेगा। अच्छा, फिगर्स ऑफ स्पीच वैसे बहुत मुश्किल नहीं है, पर टेक्निकल बहुत है। इसके जो टेक्निकल पक्ष हैं मित्रों, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। आज मेरा ज़्यादा फोकस इस बात पर रहेगा कि मैं आपसे चीज़ें समझा अच्छे से सकूँ, जहाँ पे जो जो टेक्निकली प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, मैं उन पर फोकस रहेगा। तो आज हम शुरू करेंगे किसके साथ ये क्लास? फिगर्स ऑफ स्पीच के साथ। फिगर्स ऑफ स्पीच, अच्छा फिगर्स ऑफ स्पीच की अगर आप बात करें तो ये किस काम आते हैं? अच्छा, पोइट्री में भी होते हैं, प्रोस में भी होते हैं, ड्रामा में भी फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, नॉवल के अलग फिगर्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं। अब मित्रों, फिगर्स ऑफ स्पीच का मुख्य कारण ये होता है, मुख्य लाभ ये होता है कि इससे आप जो कुछ भी कहते हैं या लिखते हैं वो अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से कह सकते हैं। रीडर के सामने क्या कर सकते हैं आप? प्रभावशाली तरीके से कह सकते हैं। एक विद्यार्थी जब किसी कविता का अध्ययन करता है तो उस कविता में उसको केवल उस कविता का अर्थ नहीं आना चाहिए, उस कविता के अंदर जो भी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं या लिटरी कॉम्पोनेंट्स हैं उसकी समझ होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज मित्रों, हम शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक फिगर्स ऑफ स्पीच के साथ, और किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे तो ये फिगर्स ऑफ स्पीच होते ही हैं। तो हम शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की फिगर्स ऑफ स्पीच के साथ। जैसे हम पहले जो लेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच में वो है सिमली। अच्छा मित्रों, सिमली क्या है? सिमली है कंपेयरिंग टू डिसिमिलर थिंग्स विद द यूज ऑफ मार्कर्स लाइक और एस। देखिए इसमें कीवर्ड क्या है, कंपेयरिंग टू डिसिमिलर थिंग्स विद द यूज ऑफ मार्कर्स लाइक और एस। हम दो असमान चीजों की तुलना करते हैं, दो असमान चीजों की तुलना करते हैं विशिष्ट शब्द यूज करके, विशिष्ट मार्कर्स यूज करके, जो कौन कौन से हैं? लाइक और एस। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, इसमें टेक्निकल पक्ष क्या है, हर बच्चा समझता है कि कहीं भी किसी भी सेंटेंस में लाइक लग गया या एस लग गया तो वो सिमिली है। नहीं, सिमिली वो नहीं है, सिमिली में आवश्यक शर्त होती है। वही टेक्निकल पक्ष है इसका मित्रों, कि वो दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, जब तुलना हो रही हो लाइक और एस के साथ तो वो दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, लाइक और एस के साथ तुलना हो रही तो वो दोनों चीजें असमान होनी चाहिए, डिसिमिलर यानी असमान होनी चाहिए। तो डिसिमिलर चीजों को अगर हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, लाइक और एस के साथ, तो वो कहलाती है सिमिली। ध्यान रखिएगा, चीजें दोनों असमान होना जरूरी है, उपमा कहते हैं हिंदी में, और उपमा तभी मानी जाती है जब दो अलग अलग क्षेत्रों की चीजों को कंपेयर किया जाए। अगर दो समान चीजों की तुलना की जाती है तो वो उपमा नहीं, तुलना ही कहलाती है, तो सिमिली होती है उपमा। इसके अलावा सेकंड हमारा है मेटाफर। देखिए मेटाफर में क्या होता है, मेटाफर में होता है कंपेयरिंग टू डिसिमिलर थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एस। हम मेटाफर में भी दो असमान चीजों की तुलना करते हैं, लेकिन मेटाफर में जब हम दो असमान चीजों की तुलना करते हैं तो उसमें लाइक और एस का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए सिमिली का जो कंपैरिजन होता है वो क्या होता है, ओवर्ट होता है, स्पष्ट होता है। कौन सा होता है? ये होता है ओवर्ट होता है। सिमिली का कंपैरिजन क्या होता है? ओवर्ट होता है। और जो मेटाफर का कंपैरिजन होता है ये क्या होता है? ये इंप्लाइड होता है। इंप्लाइड का अर्थ है अंतर्निहित और ओवर्ट का अर्थ है स्पष्ट। सिमिली विद्यार्थी आराम से पहचान सकता है कौन सी है, लेकिन मेटाफर को पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आप ये कह सकते हैं अ मेटाफर इज अ कंप्रेस्ड सिमिली। एक मेटाफर जो होता है वो क्या होता है, कंप्रेस्ड सिमिली, सिमिली की शॉर्ट फॉर्म होती है। किसी भी सेंटेंस से लाइक और एज हटा दो, जो सिमिली वाला सेंटेंस है उसमें से लाइक और एज हटा दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेटाफर। तो ध्यान रखिएगा, सिमिली वो है जिसमें दो असमान चीजों की तुलना की जाती है लाइक और एज के साथ, और मेटाफर वो है जिसमें दो असमान चीजें, मैं असमान चीजों पे अभी भी जोर दे रहा हूँ, असमान चीजों की तुलना की जाती है किसके साथ, बिना लाइक और एस के साथ। किसी भी सिमिली से अगर लाइक और एस को रिमूव कर दिया जाए और सेंटेंस बन जाए तो वो मेटाफर ही होगा। सिमिली को पहचानना आसान होता है क्योंकि कंपैरिजन ओवर्ट है या स्पष्ट है, लाइक और एस के साथ सीधा सीधा कंपेयर कर दिया जाता है। मेटाफर में कंपैरिजन पहचानना मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि इसमें लाइक और एस तो है नहीं, तो विद्यार्थी को ये समझना पड़ेगा कि कंपैरिजन तो हो रहा है लेकिन वो अंतर्निहित कंपैरिजन हो रहा है। तीसरी चीज इसमें है कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या होता है मित्रों, कंपैरिजन होता है कंपेयरिंग टू सिमिलर थिंग्स। अगर हम दो समान चीजों की तुलना करते हैं, फिर चाहे लाइक लगाओ चाहे एस लगाओ,
अगर दो समान चीजों की तुलना करते हैं तो ना सिमिली ना मेटाफर, समान चीजें हैं तो कोई सिमिली मेटाफर नहीं होगा। तो ये तीन शब्द हैं, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, हम इन तीनों का अंतर कर रहे हैं। सिमिली कौन सा हो गया? जब दो असमान चीजों की तुलना की जाती है लाइक और एस के साथ। और मेटाफर कब हो? जब दो असमान चीजों की तुलना की जाती है बिना लाइक और एस के साथ। और अगर दो समान चीजों की तुलना की जाती है, चाहे लाइक और एस का प्रयोग कर लें आप, तो वो ना सिमिली होगी ना मेटाफर होगा, वो होगा कंपैरिजन। यहाँ पे एक जो भ्रम दूर करना विद्यार्थी का जरूरी था कि विद्यार्थी ये मानता है कि किसी भी सेंटेंस में लाइक और एज आ गया तो वो बिना पढ़े उसको सिमिली मार्क कर देता है। सिमिली मार्क ऐसे नहीं करनी है, ये देखना है कि दो चीज़ें जो कंपेयर हो रही हैं वो अलग अलग हैं, असमान हैं कि नहीं हैं। अगर वो असमान हैं तो सिमिली होगी, नहीं तो स्पष्ट क्या होगा? कंपेरिजन होगा। इसके मैं कुछ उदाहरणों से आपको समझाना चाहूँगा। जैसे आप देखिएगा कुछ सेंटेंस हैं एग्जाम्पल में, सीता सिंग्स लाइक लता मंगेशकर। पहला सेंटेंस हमारा है सीता सिंग्स लाइक लता मंगेशकर। अब इसमें तुलना तो हो रही है, ये लाइक आ गया, किस किस के बीच में हो रही है? लता मंगेशकर और सीता के बीच में। सीता सिंग्स लाइक लता मंगेशकर, सीता लता मंगेशकर जैसा गाना गाती है। अब तुलना हो रही है लता मंगेशकर की और सीता की, और शब्द कौन सा यूज हुआ है? लाइक। अब समस्या क्या है? लाइक देखते ही विद्यार्थी को लगता है कि ये तो मैं आसानी से पहचान गया, ये क्या है? सिमिली है। मित्रों, ये सिमिली नहीं है। सिमिली क्यों नहीं है? क्योंकि सीता भी एक ह्यूमन बीइंग है, लता मंगेशकर भी एक इंसान है। दो इंसानों का, दो वुमन का कंपेयर कर रहे हैं हम, ये कोई असमान नहीं है, ये दोनों समान हैं। तो इसमें ना सिमिली ना मेटाफर, ये क्या है? ये है कंपैरिजन। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अपने कंपैरिजन। ये ना सिमिली ना मेटाफर, ये कहलाएगा कंपैरिजन। इसमें नो सिमिली भी नहीं है, मेटाफर भी नहीं है। सिमिली कब बनेगी लाइक के साथ? आप देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, सीता सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल। सीता सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल, यहाँ पे सीता का कंपैरिजन हो रहा है, लाइक के साथ ही हो रहा है, किसके साथ हो रहा है? नाइटिंगेल। अच्छा, नाइटिंगेल एक बर्ड हो गया और सीता एक ह्यूमन बीइंग हो गई, दोनों असमान है। अब जब दो असमान चीज़ों की तुलना किसके द्वारा की जाएगी? लाइक और एस के साथ की जाएगी, तब वो कहलाएगी सिमिली। अब यहाँ पे सीता की तुलना हमने किसके साथ की है? नाइटिंगेल के साथ। सीता ह्यूमन बीइंग है, नाइटिंगेल एक बर्ड है, इन दोनों की तुलना इनकी आवाज़ की मिठास के सेंस में की जा रही है। सिमिली एक कॉन्टेक्स्ट में तुलना की जाती है। तुलना क्या है? जैसे नाइटिंगेल मीठा गाती है, वैसे सीता भी मीठा गाती है, इसलिए इन दोनों की तुलना उस सेंस में की गई है। लाइक के साथ की गई है तो ये क्या कहलाएगा? ये है एक्चुअली सिमिली, इसको हम कहेंगे सिमिली। तो ऊपर वाली सिमिली नहीं, वो तो है कंपैरिजन, ये वाली सिमिली है। क्यों है? क्योंकि दोनों क्या हैं? असमान हैं। तो पहली शर्त ही यह है कि जब भी लाइक और एस के साथ तुलना हो तो दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए? असमान होनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि हमारे एग्जाम में पूरी पोयम आ जाती है, और पहले रीट के एग्जाम में भी ऐसा कई बार हुआ, आजकल सेकंड ग्रेड में भी एक पोयम आने लग गई जिसमें आपसे पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ सिमिली है। ये पूछ लिया जाता है कि इस पैराग्राफ में टोटल मिला के कितनी सिमिलीज हैं। एक बार ऐसा पैराग्राफ आया था, उसमें टोटल मिला के विद्यार्थियों ने शब्द गिन लिए, जहाँ जहाँ लाइक आते थे उन्होंने 6 सिमिली मान ली, लेकिन उस पैराग्राफ में केवल 5 सिमिली थी, एक कंपैरिजन था। तो विद्यार्थी क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ता है, उसको लगा कि मेरा समय बचेगा, मैं लाइक से देख लेता हूँ। तो ये जो टेक्निकल पक्ष है मित्रों, इसमें विद्यार्थी गलती करता है। सिमिली तभी होगी जब दोनों चीज़ें डिसिमिलर हों। तो उस पैराग्राफ में 5 तो सिमिली थी, एक कंपैरिजन था, और विद्यार्थी ने जो ऑप्शन चुना वो चुना 6 का, कारण उन्होंने लाइक गिन लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, लाइक का मतलब सिमिली नहीं है, सिमिली तब है जब दोनों चीजें असमान हो। अब आप देखिएगा, अगला मैंने सेंटेंस लिखा सीता इज अ नाइटिंगेल। मैंने सीता को सीधे सीधे क्या बुला लिया? नाइटिंगेल। अब ये वाला समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है विद्यार्थियों के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पता नहीं चलता कि तुलना हो रही है कि नहीं है। सीता को सीधे सीधे हमने बुला दिया नाइटिंगेल, लेकिन मेटाफर को पहचानने का एक तरीका है कि मेटाफर कॉन्टेक्स्ट बाउंड होता है। कॉन्टेक्स्ट बाउंड यानी हम किसी व्यक्ति की किसी से तुलना करते हैं तो किसी न किसी क्षेत्र में या किसी कारण से करते हैं। यहाँ सीता को नाइटिंगेल बुलाया जा रहा है, उसके पीछे कारण वही है कि सीता की आवाज़ कैसी है? एक नाइटिंगेल जैसी मीठी आवाज़ है, इस वजह से सीता को बोला नाइटिंगेल। अब यहाँ पे ना तो लाइक है ना एज है, सीता को सीधे सीधे क्या बुला दिया गया है? नाइटिंगेल बुला दिया गया है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मेटाफर, ये कहलाएगा मेटाफर। My love is like a red red rose. My love is like a red red rose. यहाँ पे love की तुलना की गई है किसके साथ? Red red rose के साथ। और शब्द कौन सा यूज किया गया है? Like.
प्रेम की तुलना फूलों के साथ की गई है। हालांकि दोनों का गहरा संबंध है, बिना फूलों के प्रेम संभव ही नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्रेम एक भाव है, फूल एक वस्तु है। तो अगर इन दोनों को तुलना की जाती है किसके साथ, लाइक और एस के साथ तुलना की जाती है, तो ये भी क्या कहलाएगी, ये सिमिली कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, लव की तुलना की है किसके साथ, रेड ड्रेस रोज के साथ। रोज मैंने जैसे आपको कहा कि एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, हालांकि उसकी सिंबॉलिक मीनिंग है, वो प्रेम को दर्शाता है, और प्रेम क्या है, एक भाव है। तो दोनों की तुलना की गई, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा सिमिली। ये काम करेगी किसका, सिमिली का। आगे कुछ और एग्जाम्पल हम लेंगे, आगे हम कुछ और एग्जाम्पल लेंगे। मैंने कह दिया माई लव इज अ रेड रेड रोज, मैंने माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज के बजाय मैंने कह दिया माई लव इज अ रेड रेड रोज, मैंने लाइक को हटा दिया। देखिए पिछले वाले सेंटेंस में क्या था, माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, मैंने उसमें से खाली लाइक को हटा दिया। जब हम किसी सिमिली में से लाइक और एस को हटा देते हैं तो ये कंप्रेस सिमिली बन जाती है। क्या बन जाती है, कंप्रेस सिमिली कर देते हैं तो वो मेटाफर बन जाता है। सिमिली का लाइक और एस हटा दो, छोटा कर दो, तो मेटाफर बन जाएगा। अब यहाँ पे माई लव को सीधे सीधे क्या बुला रहा है, रेड रेड रोज बुला रहा है। तो तुलना तो अभी भी हो रही है पर बिना लाइक और एस के हो रही है। अच्छा, रेड रेड रोज में हमारे कोई मित्र कह रहे हैं कि रिपीटेशन भी, हाँ रेड रेड दो बार रिपीट हुआ है, ऐसे तो एलिट्रेशन भी है क्योंकि रे साउंड रिपीट हो रहा है। पर अगर हम सिमिली और मेटाफर की बात करें तो इसमें मेटाफर का यूज हुआ है। माई लव, इसको सीधा सीधा किससे तुलना की गई है, तो ये कहलाएगा अपने मेटाफर, ये कहलाएगा मेटाफर। विराट वॉक्ड लाइक अ टाइगर, विराट वॉक्ड लाइक अ टाइगर। अब ये देखिए विराट की तुलना हो रही है किसके साथ, टाइगर के साथ। किस वर्ड के माध्यम से, लाइक के माध्यम से, कि विराट टाइगर जैसा चलता है। अच्छा आप ये मानिएगा, ये जो तुलना की जा रही है वो एटीट्यूड की वजह से की जाती है। एक टाइगर भी बड़ा अग्रेसिव होता है और विराट कोहली भी आप जानते हैं कि अपने नेचर से क्या होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, चाहे खेलते हुए चाहे फील्ड करते हुए, और उनका अग्रेसिव नेचर ही उनको विराट कोहली बनाता है। तो विराट वॉक लाइक अ टाइगर, विराट किसकी तरह चल रहे हैं, टाइगर की तरह चल रहे हैं। विराट की तुलना टाइगर से हो रही है, किस सेंस में हो रही है, चाल के सेंस में। चाल दोनों की कैसी है, समान है, एक विशेष क्षेत्र में उनको कंपेयर किया जा रहा है। तो विराट की तुलना टाइगर के साथ हुई, विराट एक व्यक्ति है, टाइगर एक एनिमल है, तो दोनों को की तुलना लाइक से होगी तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगी सिमिली, ये कहलाएगा सिमिली, ये कंपैरिजन। अच्छा अगले सेंटेंस में देखिएगा, विराट वॉक्ड लाइक सचिन तेंदुलकर, मैंने टाइगर की जगह क्या कर दिया, सचिन तेंदुलकर। गलती बच्चा यहीं पे करता है मित्रों, ये वाला तो पहचान लेता है कि ये सिमिली है। गलती कहां पे कर रहा है, गलती इसी क्षेत्र में कर रहा है, किस क्षेत्र में, विराट वॉक लाइक सचिन तेंदुलकर, उसने लाइक देख लिया, उसको सिमिली मान ली। लेकिन मैंने आपको बताया कि सिमिली कब होगी, जब दोनों चीजें क्या हो, असमान हो। विराट भी एक प्लेयर है, सचिन तेंदुलकर भी एक प्लेयर है। अगर आप विराट से सचिन तेंदुलकर की तुलना करोगे, किससे, विराट से सचिन तेंदुलकर की तुलना करोगे, सचिन तेंदुलकर से विराट की तुलना करोगे, तो दोनों खिलाड़ी हैं, ये कोई उपमा नहीं है, ये तुलना है। दोनों के दोनों क्या है, समान है, बल्कि एक ही स्पोर्ट में एक, उतना ही बड़ा नाम है सचिन तेंदुलकर का जितना बड़ा नाम था, आज विराट कोहली का भी उतना ही बड़ा नाम है। तो दोनों की ये तुलना हो रही है, इसमें उपमा वाली कोई बात नहीं है, ये क्या कहलाएगा, ये कंपैरिजन कहलाएगा। आप ध्यान रखिएगा, इसी में आप गलती करते हैं, इसको आप सिमिली मान लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए किसी भी एग्जाम में। आप केवल लाइक और एस को ना गिने, आप क्या गिने, जो तुलना हो रही है वो समान के बीच में हो रही है कि असमान के बीच में। अच्छा मेरे साथ काफी लोग जुड़े हैं, सिमली पवन सिंह जुड़ रहे हैं, लॉयल भारतीय जुड़े हैं, हाँ आप लोग जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, मकबथ प्ले था शेक्सपियर का। मकबथ में ये दिखाया गया है कि मैकबेथ की जो वाइफ थी लेडी मकबथ, लेडी मकबथ एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लेडी थी, उन्होंने मैकबेथ को मोटिवेट किया, एंकरेज किया कि तुम डंकन राजा की हत्या कर दो और उसके बाद तुम राजा बन जाओगे। मकबथ भी अपनी वाइफ के बहकाव में आके या उसके एंकरेजमेंट में आके क्या किया, उसने राजा को मार दिया और राजा बन गया। लेकिन इस हत्या में शामिल होने के कारण लेडी मकबथ को एक आत्मग्लानी का भाव हो जाता है। अब इस आत्मग्लानी की वजह से लेडी मकबथ लगभग लगभग पागल हो जाती है और वो
अंत में होता है कि पहले तो रानी बनने की उसके मन में चिंता होती है कि मैं रानी बनूंगी, लेकिन आत्मग्लानि की वजह से वो जो मूल इंसान थी वो भी नहीं रह पाती और उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ के ऊपर मैकबेथ प्ले में ये लाइन कही जाती है, ये लाइन ऐसी है जो जीवन के हर पहलू में काम आती है, यथार्थ है जीवन का। क्या है? लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो। जीवन क्या है? एक चलती फिरती छाया है। जीवन क्या है? एक चलती फिरती छाया है। अच्छा, तुलना की गई है, दोनों असमान चीजें हैं ना, छाया और जीवन की। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, लेकिन इसमें लाइक और एस का प्रयोग नहीं हुआ है। लाइफ की तुलना तो किससे की गई है? वॉकिंग शेडो से की गई है, लेकिन कहीं भी लाइक और एस नहीं है। तो ये क्या कहलाएगी? सिमिली या मेटाफर? ये कहलाएगा मेटाफर। मेटाफर क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसकी तुलना की गई है किसके साथ? लाइफ की तुलना की गई है वॉकिंग शेडो के साथ। अच्छा मित्रों, ऐसा नहीं है कि मेटाफर में कोई भी दो चीजें उठा के असमान तुलना कर दो, ऐसा नहीं होता। मेटाफर हमेशा कॉन्टेक्स्ट बाउंड होता है। मैंने जैसे कहा, ये बड़ा एक चतुर तरीका है किसी चीज को कहने का, दो चीजों में तुलना करने का। रूपक कहते हैं हिंदी में। ऐसा नहीं है कि मेरी टीवी उसके गद्दे जैसी है, ये तो नहीं हो सकता ना। तो तुलना होती है किसी विशेष कॉन्टेक्स्ट में होती है। लाइफ को वॉकिंग शेडो कहा गया है तो उसके पीछे कारण है। मैंने आपको जो कहानी सुनाई कि लेडी मैकबेथ रानी बनना चाहती थी, लेकिन आत्मग्लानी में आके क्या हो गया, वो अपने मूल रूप से इंसान वाले भाव में भी नहीं रह पाए और वो उसकी डेथ हो जाती है। लाइफ और वॉकिंग शेडो के बीच में जो एक समान बात है वो क्या है? लाइफ भी अनरियल है और शेडो भी अनरियल है। शेडो भी शाम को अपना साथ छोड़ देती है। जीवन की भी एक शाम होती है जब जीवन नहीं होता, दोनों का अंत होता है। शेडो का भी होता है रात के साथ और जीवन में भी एक रात आती है। तो इस सेंस में इनका कंपैरिजन किया गया है कि जीवन एक चलती फिरती छाया है, पूरे दिन चलती है जमीन पे, लेकिन जैसे ही रात होगी तो वो छाया गायब हो जाएगी। वैसे ही इंसान की महत्वाकांक्षाएं भी हैं। इंसान पूरी कोशिश करता है अपने आप को जमाने की, बढ़ाने की, लेकिन अंत क्या होता है? जीवन के अंत में उसके पास कुछ भी नहीं रहता। लाइफ इज लाइक अ वॉकिंग शेडो, अगर हम इसी सेंटेंस को लाइफ इज लाइक अ वॉकिंग शेडो किसके साथ करें? लाइक के साथ। अब देखिए, आप ऊपर वाले और सेंटेंस में एक ही अंतर है, इसमें लाइक लगा हुआ है, ऊपर वाले में लाइक लगा हुआ नहीं था। अब आप लाइफ की तुलना फिर से कर रहे हो वॉकिंग शेडो के साथ, वॉकिंग शेडो के साथ, लेकिन किस वर्ड के माध्यम से? लाइक के माध्यम से। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा, ये हो जाएगा सिमली, ये हो जाएगा सिमली। लाइक हटा दो तो मेटाफर, और लाइक लगा दो तो ये हो जाएगा सिमली। अब मित्रों, एक फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। इसको पहचानने में भी विद्यार्थियों को थोड़ी सी दिक्कत होती है। पर्सोनिफिकेशन पिछले सेकंड ग्रेड में और जितने भी एग्जाम हुए, हर एग्जाम में पर्सोनिफिकेशन पूछा जाता है। फर्स्ट ग्रेड के भी जितने एग्जाम होते हैं उसमें पर्सोनिफिकेशन का क्वेश्चन आता ही है। फर्स्ट ग्रेड में तो आपको जितनी भी कविताएं पढ़नी है सिलेबस में, उन सब में अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो उनमें सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ये सारी चीजें आपको समझे बिना कविता समझ ही नहीं सकते। पर्सोनिफिकेशन जो है वो क्या कहलाता है? पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच। हिंदी में कहते हैं मानवीकरण। मानवीकरण यानी किसी भी नॉन ह्यूमन थिंग को, किसी भी नॉन ह्यूमन थिंग को आप ह्यूमन की तरह दिखाएं। किसी भी जो इनएनिमेट चीज है यानी निर्जीव चीज है, अगर आप उसको भी इंसान की तरह दिखाते हैं। ऐसी चीजें जो इंसान नहीं है लेकिन वो इंसान की तरह बिहेव कर रही हैं, बोल रही हैं, डांस कर रही हैं, गाना गा रही हैं, तो वो क्या कहलाता है? मानवीकरण कहलाता है। पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें कि मानव विशेषताएं आर अट्रीब्यूटेड, जोड़ी जाती हैं टू एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, किसी निर्जीव वस्तु के साथ, और एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी या किसी अस्पष्ट क्वालिटी के साथ। तो कहने का सिंपल शब्दों में है कि किसी भी नॉन ह्यूमन चीज को ह्यूमन की तरह बिहेव करते हुए दिखाना क्या कहलाएगा? पर्सोनिफिकेशन कहलाएगा। अच्छा मित्रों, जब हम लिटरेचर में पढ़ते हैं तो ये बड़ा मुश्किल सा लगता है, पर्सोनिफिकेशन क्या है क्या नहीं है, लेकिन हम बोलचाल नॉर्मल जो करते हैं, हमारे जो गीत संगीत है, पर्सोनिफिकेशन उसमें होता ही है, लेकिन हम कभी गौर नहीं करते। आप देखिएगा, आपने गाना सुना है, मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला के हंस दिए। अब आप इस गाने को सुन के खुश भी हो सकते हैं, गा भी सकते हैं, आवाज़ भी उसमें अच्छी हो सकती है, लेकिन इस गाने के शब्दों पे अगर जाएं, मैंने कहा फूलों से, आप किन से बात कर रहे हो? फूलों से। आपने कहा खिलो तो वो खिलखिला, वो रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, खिलखिला के हंस भी रहे हैं। आप जानते हैं इसमें क्या हुआ? आपने फूल को, अगर फूल आपकी मानव की भाषा को रिस्पॉन्ड कर रहा है, मानव की भाषा को रिस्पॉन्ड कर रहा है और मानव की तरह हंस रहा है, तो फूल क्या है? एक नॉन ह्यूमन थिंग है, इंसान नहीं है फूल, लेकिन आपने उसको किसकी तरह बिहेव करते हुए दिखा दिया?
इंसान की तरह। तो किसी भी नॉन ह्यूमन थिंग को, जो चीज़ इंसान नहीं है, उसे इंसान की तरह बिहेव करते हुए दिखाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? मानवीकरण कहलाता है। तो मानवीकरण क्या है? जैसे मैं कई बार हम कहते हैं कि मेरे धैर्य ने जवाब दे दिया, मेरे धैर्य ने जवाब दे दिया। हम हिंदी में कई बार कहते हैं ना कि मेरे से नहीं हो पा रहा, मेरे धैर्य ने जवाब दे दिया है। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपके धैर्य, पेशेंस, क्या वो आपको जवाब दे सकता है? क्या वो बोल सकता है? आप अपने एक ह्यूमन की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, विशेषता, उसको ह्यूमन की तरह ही दिखा रहे हैं। पेशेंस, धैर्य एक गुण है इंसान के अंदर। जब आप कहते हैं कि मेरे धैर्य ने जवाब दे दिया, यानी कि आपके अंदर से धैर्य अब खत्म हो रहा है। लेकिन धैर्य जवाब नहीं दे सकता। आप कहेंगे धैर्य ने जवाब दिया, मतलब आप उसको इंसान की तरह दिखा रहे हैं, और इसी को कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। अब हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में पर्सोनिफिकेशन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम इनको कभी भी एनालाइज नहीं करते कि मेरे धैर्य ने जवाब दे दिया, उसमें पर्सोनिफिकेशन है कि नहीं है। वैसे ही हम लिटरेचर में भी कर लेते हैं, हम कविता की लाइन पढ़ लेते हैं, हमें लगता है कि हमें अगर उसका अर्थ समझ में आ गया तो हमने तो बहुत बड़ी जंग जीत ली। जंग तब जीती जाएगी जब आप उसके सारे फिगर्स ऑफ स्पीच भी साथ में समझें। फर्स्ट ग्रेड में तो आप बिल्कुल भी जंग नहीं जीत सकते किसी कविता से, जब तक आप उसके फिगर्स ऑफ स्पीच को ढंग से समझ नहीं लेते। एक कविता में कितने फिगर्स ऑफ स्पीच हैं? जैसे आप ओड टू द वेस्ट विंड पढ़ते हैं, ओड टू द वेस्ट विंड सारे फिगर्स ऑफ स्पीच का खजाना है। पहले ही स्टेंजा में हर लाइन में 4 से 5 फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। अब फर्स्ट ग्रेड का विद्यार्थी उसका अर्थ तो कर लेगा कविता का, लेकिन कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच हैं? पहली लाइन में 4 फिगर ऑफ स्पीच हैं उसमें। तो आप सोचिए, अगर एक लाइन में 4 फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, तो वो 70 लाइन की कविता है, उसमें पूरा खजाना होगा फिगर्स ऑफ स्पीच का। और जब तक आप उसके फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं समझेंगे, तब तक आप उस कविता को भी नहीं समझ सकते। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम देंगे। आई आस्क द फ्लावर्स टू स्माइल एंड दे स्माइल। देखिए क्या हो रहा है, मैंने कहा, ये गाने का ही वर्जन है, फूलों से कि वो हंसें, और उन्होंने भी क्या किया, वो हंस दिए। अब यहाँ पे फ्लावर्स को क्या दिखाया जा रहा है, फ्लावर्स क्या कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। अगर फ्लावर्स स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, हंस कौन सकता है, इंसान हंस सकता है। अगर फ्लावर्स स्माइल कर रहे हैं, बात सुन रहे हैं आपकी, तो आप फ्लावर्स को क्या कर रहे हैं, मानवीकरण कर रहे हैं। फ्लावर, देखिए मैंने आपसे कहा, नॉन ह्यूमन है, इंसान तो नहीं है। तो नॉन ह्यूमन अगर कोई ह्यूमन की तरह बिहेव करता है, तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाएगा। तो एक इसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल, ये हो गया है ना पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल, ये अपने हो जाएगा, ये अपने पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। साइलेंस क्या होता है, खामोशी। खामोशी बोल रही है किनसे तेज, शब्दों से तेज। अच्छा, अपने आप में वैसे कि ये विरोधाभास भी है, पैराडॉक्स भी है। हम जब ये सेंटेंस कहते हैं ना कि खामोशी शब्दों से ज्यादा बयां करती है, तो विरोधाभासी बात है, अगर खामोशी तो बयां कैसे करेगी, तो पैराडॉक्स भी इसमें है। साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अब आप देखिएगा यहाँ पे साइलेंस को क्या करते हुए दिखाया गया है, बोलते हुए दिखाया गया है। किसकी तरह बोल कौन सकता है, इंसान बोल सकता है। तो साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, शब्द भी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे साइलेंस को आप क्या मानेंगे, जैसे साइलेंट अगर स्पीक कर रहा है, तो ये हो जाएगा इसका पर्सोनिफिकेशन। जैसे आप ये कह सकते हैं राम ने बोला, श्याम ने बोला, लेकिन साइलेंस ने बोला, साइलेंस बोल नहीं सकता, इसलिए वो पर्सोनिफिकेशन हो गया। आपने साइलेंस को मानव की तरह बिहेव करते हुए दिखाया है। अब आप नेक्स्ट देखिएगा इसमें, द लाइट डांस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वॉटर। जो लाइट थी वो क्या कर रही थी, डांस कर रही थी। कहाँ पे कर रही थी, पानी की सतह पे, पानी की सतह पे। अच्छा, डांस आप सोचिए, अब आप ये मान लीजिए लाइट जो है वो हिल रही है पानी के ऊपर, तो इसमें कभी कह रहा है कि लाइट हिल रही है, मतलब वो पानी के ऊपर क्या कर रही है, डांस कर रही है। क्या आपको लगता है कि लाइट डांस करना जानती होगी, या फिर हम अपना इमोशन या अपना विशेषता जो है वो किसके साथ ऐड कर रहे हैं, लाइट के साथ कर रहे हैं। लाइट जो है वो मानव की तरह क्या कर रही है, डांस कर रही है। लाइट को हमने क्या करते हुए दिखाया है, डांस करते हुए दिखाया है। इसका मतलब है कि हम लाइट को क्या कर रहे हैं, लाइट एक नॉन ह्यूमन चीज़ है, लाइट कोई इंसान नहीं है। डांस कौन कर सकता है, इंसान कर सकता है। देखिए मित्रों, क्या है कि पर्सोनिफिकेशन को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक पर्सोनिफिकेशन ऐसा होता है जिसे पहचानना बड़ा आसान है। क्यों आसान है, देखो पहले दो तरह के पोएट हुए, न्यू क्लासिकल पोएट्स हुए, जैसे पॉप, ड्राइडन, जॉनसन, सैमुअल जॉनसन थे, और एक रोमांटिक पोएट्स हुए, जैसे वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शैली, बायरन। अब ये कहा जाता है कि जो न्यू क्लासिकल पोएट्स थे वो भी प्रकृति को पर्सोनिफाई करते थे,
रोमांटिक पोएट्स थे वो भी प्रकृति को ही पर्सोनिफाई करते हैं, लेकिन इन दोनों की प्रकृति अलग अलग है। जैसे आप मान लीजिए ड्राइडन है, पॉप है, मिल्टन है, ये क्लासिकल पोएट, न्यू क्लासिकल पोएट्स थे, ये प्रकृति को करते हैं पर्सोनिफाई, यानी प्रकृति को मानव की तरह बोलते हुए चलते हुए दिखाते हैं। ये प्रकृति जो थी वो थी मानव प्रकृति, जैसे ग्रीड है, प्राइड है, ऑनर है, पेशेंस है, तो इनको ये जो भाव है मानव की प्रकृति के उनको पर्सोनिफाई करते थे न्यू क्लासिकल पोएट्स। और जब ये उनको पर्सोनिफाई करते थे तो पहले ट्रेंड था कि नॉर्मली इनको कैपिटल लेटर से लिखा जाता था, तो बच्चे पहचान लेते थे कि कैपिटल लेटर में अगर प्राइड लिखा है, ऑनर लिखा है, तो वो पर्सोनिफिकेशन ही है। लेकिन वो मानव प्रकृति की बात है, जब मानव प्रकृति को ये न्यू क्लासिकल पोएट्स पर्सोनिफाई करते थे ना, मानव प्रकृति के जो भाव है, मैंने कहा ना प्राइड, ऑनर और पेशेंस, इनको तब वो नॉर्मली ऐसा करते थे, चलन था कि उसको कैपिटल से लिखते थे, पहचान में आ जाता था। लेकिन रोमांटिक पोएट्स जो है वो प्रकृति को करते हैं, वो मानव प्रकृति को नहीं, बाहरी प्रकृति को करते हैं। जैसे वर्ड्सवर्थ है, शेली है, कीट्स है, ये विंड को, वाटर को, लाइट को, स्काई को, मून को, इनको कंपेयर करते हैं। अच्छा, इनकी कविताओं में आप पढ़ के देखें टेक्स्ट में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमेशा कैपिटल में रखेंगे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल इनका हो जाता है पहचानना, कि क्योंकि मानव प्रकृति को नहीं, बाहरी प्रकृति को पर्सोनिफाई करते हैं। तो वर्ड्सवर्थ जैसे डैफोडिल्स को कहीं भी पर्सोनिफाई करता है तो कैपिटल में नहीं लिखता, और डैफोडिल्स को छोटे शब्दों में ही लिखता है कविता में भी, तो वहाँ थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन आपको ध्यान केवल इस बात का रखना है कि किसी भी नॉन ह्यूमन चीज़ को अगर आप ह्यूमन की तरह, हाँ जैसे ग्रेशन अर्न की गई कीट्स के द्वारा, तो किसी भी नॉन ह्यूमन चीज़ को अगर ह्यूमन की तरह बिहेव करता हुआ दिखा, यहाँ पे किसको डांस करते हुए दिखाया गया है, लाइट को, तो ये लाइट क्या कहलाएगी, ये इसका लाइट का हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लाइट का पर्सोनिफिकेशन, लाइट का पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे हो जाएगा। पर्सोनिफिकेशन का अर्थ हुआ हिंदी में मानवीकरण, मानवीकरण का अर्थ ही यह है कि जो चीज़ मानव नहीं है उसको मानव बना दो। द फ्लावर्स डांस टू द विंड, अब फूल क्या करें, हवा में लहरा रहे हैं। वर्ड्सवर्थ की कविता में डैफोडिल्स में ऐसी कोई लाइन है, तो उस डैफोडिल्स वाली लाइन को अपन ने मॉडिफाई किया, द फ्लावर्स डांस टू द विंड, यहाँ पे विंड पे डांस करें, कहने का अर्थ है कि फ्लावर्स हवा में लहरा रहे हैं, पर लहरा ऐसे ही रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनको देख के जैसे वो डांस कर रहे हो। तो ये ध्यान रखिएगा, फ्लावर इंसान नहीं है, है ना, मानव नहीं है, लेकिन डांस कौन कर सकता है, मानव ही कर सकता है। अगर किसी गैर मानव या नॉन ह्यूमन चीज को मानव की तरह एक्ट करते दिखाओगे तो वो क्या कहलाएगा, पर्सोनिफिकेशन कहलाएगा। आप किसी कविता को जब पढ़ेंगे ना, तो आप अगर ये दिमाग में रखेंगे कि किसी गैर मानव या नॉन ह्यूमन चीज को ह्यूमन की तरह बिहेव करते, तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि पर्सोनिफिकेशन कहाँ कहाँ है। हालांकि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स नहीं आते, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ, ये सारे इसी तरह के एग्जाम में आए हुए हैं और आते भी हैं। अब आप देखिएगा एज यू लाइक इट की एक लाइन है, हर स्मूथनेस हर वेरी साइलेंस हर पेशेंस स्पीक टू द पीपल एंड दे पिटी हर। ये ड्यूक फ्रेडरिक जो है वो रोजालिंड के लिए कहता है सीलिया को, कि रोजालिंड जो है उसकी स्मूथनेस यानी उसकी सौम्यता, हर वेरी साइलेंस उसकी जो खामोशी है, एंड हर पेशेंस और रोजालिंड का जो धैर्य है, स्पीक टू द पीपल वो लोगों से बात करते हैं। कौन बात कर रहा है, देखो स्पीक कौन कर रहा है, उसकी सौम्यता, उसकी खामोशी और उसका धैर्य। अच्छा, ये तीनों के तीनों चीजें मानव नहीं हैं। स्पीक कौन कर सकता है, मानव कर सकता है। तो इन चीजों को क्या किया गया है, ये किया गया है पर्सोनिफिकेशन किया गया है, किस किस का, स्मूथनेस का, साइलेंस का और पेशेंस का पर्सोनिफिकेशन किया गया है, शेक्सपियर के एज यू लाइक इट से ये लाइन ली गई थी। अब मित्रों कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एलिट्रेशन, एसोनेंस और रिपीटेशन। कोई सा भी एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन हमेशा होता ही है कि एलिट्रेशन क्या कहलाती है, एसोनेंस क्या कहलाती है और रिपीटेशन कहाँ होता है। इसमें भी विद्यार्थियों को एक टेक्निकल पक्ष में गलती होती है, उसके लिए मैं आज तीनों को कंपेयर करके बताऊँ। इनमें से कोई भी अकेला पढ़ा ही नहीं जा सकता, इन तीनों को कंपेयर करके ही पढ़ना जरूरी है। अच्छा, एलिट्रेशन जिसे हिंदी में हम अनुप्रास कहते हैं, एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड इन नियर बाय वर्ड्स। इसमें कौन सा शब्द रिपीट होता है, ध्वनि रिपीट होती है कॉन्सोनेंट की, और कॉन्सोनेंट भी कौन सा वाला, इनिशियल कॉन्सोनेंट। इनिशियल कॉन्सोनेंट यानी जो प्रारंभिक व्यंजन ध्वनि है, किसी शब्द के प्रारंभ में सबसे प्रथम जो व्यंजन है वो लगातार शब्दों में रिपीट होता है, तो वो कहलाता है एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन में किस चीज का रिपीटेशन होता है, प्रारंभिक कॉन्सोनेंट का, है ना, प्रारंभिक कॉन्सोनेंट साउंड का, यानी व्यंजन की ध्वनि का
रिपीटेशन होता है प्रारंभिक, तो वो कहलाता है एलिट्रेशन। अच्छा मित्रों, एलिट्रेशन क्या है वैसे? एलिट्रेशन भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने कविताओं में पढ़ी लेकिन पहले कभी आप जानते नहीं थे। कविताओं में हम पढ़ते हैं या जब एग्जाम में आती हैं तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि हम प्रेशर में होते हैं। एलिट्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे हर बच्चा अपने बचपन से ही वाकिफ होता है। वो खेल खेल में एलिट्रेशन करता है लेकिन उसने कभी गौर नहीं किया होता है। देखिए, कई बच्चे हैं, आपने बचपन में सुना होगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ये जो लाइन है ना, कभी खुशी कभी गम याद आ जाएगा आपको, लेकिन चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, ये च च च जो प्रथम शब्द हो रहा है ना, यही क्या कहलाता है? एलिट्रेशन कहलाता है। हम जब छोटे होते थे तब हमें भी कहा जाता कच्चा पापड़ पक्का पापड़। हम नहीं बोल पाते इसको, उसकी वजह यह है कि वो पापड़ शब्द का जो पर साउंड है ना, वो लगातार शब्दों में आ रहा है। अच्छा, ये टंग ट्विस्ट कहलाते हैं, एक तरह के क्या होते हैं? टंग ट्विस्ट होते हैं। इसको बोलना बड़ा मुश्किल होता है। आप एक बार बोल सकते हैं, दो बार बोल सकते हैं, लेकिन आपको कोई कहे ना कि चार बार बोल के दिखाओ तो आप क्या करेंगे? लैप्स कर जाएंगे साउंड में। तो एलिट्रेशन वही होता था जो बचपन में हम खेल खेला करते थे, चंदू की चाची वाला। तो एलिट्रेशन कौन सा हो गया? पहला पहला ध्वनि को रिपीट करना। अच्छा, इसका उद्देश्य जो है वो खेल नहीं था। एलिट्रेशन का उद्देश्य कभी भी खेल पोइट्री में नहीं है। कहते हैं कुछ साउंड होते हैं कविता में, अगर वो रिपीट हों तो कविता म्यूजिकल बन जाती है। जैसे स है, मैं है, ब है। आप देखिएगा, सबसे ज़्यादा जो आपको एलिट्रेशन दिखेगा ना, वो दिखेगा स का, ब का और मैं का। अगर हम इन साउंड्स को रिपीट करते हैं तो कविता म्यूजिकल बन जाती है। इट एड्स टू द म्यूजिकल क्वालिटी ऑफ द पोएम, इट मेक्स योर पोएम म्यूजिकल। तो ये ध्यान रखिएगा, साउंड रिपीट करने का उद्देश्य है कविता को म्यूजिकल बनाना। अच्छा, दूसरा है एजोनेंस। अच्छा, ये बहुत रेयरली वैसे एग्जाम पूछा जाता है लेकिन कभी कभी ये भी आता है। एजोनेंस में रिपीटेशन किसकी होती है? वॉल साउंड की होती है। इसमें स्वर की रिपीटेशन होती है नियर बाय वर्ड्स में। जो शब्द बहुत पास पास हैं उनमें सेम वॉवल साउंड हो तो वो क्या कहलाता है? एजोनेंस कहलाता है। हालांकि दोनों में से अगर आप देखें तो ज़्यादा जो यूज़ होते हैं कविताओं में वो कौन सी चीज़ है? एलिट्रेशन। हमारे एग्जाम के हिसाब से भी जो ज़्यादा चीज़ पूछी जाती है वो कौन सी है? एलिट्रेशन है। अब समस्या कहाँ आ रही है इसमें मित्रों? ये तो बहुत आसान सी चीज़ है, मैंने कहा कि आप जानते हैं कि बचपन से खेलते आ रहे हैं, फिर बच्चे गलती किस चीज़ में कर रहे हैं? देखिए, मैंने एलिट्रेशन में कहा कि प्रथम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होना चाहिए। प्रथम कॉन्सोनेंट साउंड का अर्थ है केवल प्रथम कॉन्सोनेंट साउंड। ये ध्यान रखिएगा, अगर पूरा शब्द ही रिपीट हो गया, पूरा शब्द ही रिपीट हो गया तो फिर वो क्या कहलाएगा? वो एलिट्रेशन नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा रिपीटेशन। रिपीटेशन में क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ दी वर्ड्स, फ्रेजेस और स्ट्रक्चर्स। शब्दों का, फ्रेजेस का या स्ट्रक्चर्स की पुनरावृत्ति हम करते हैं, वो रिपीटेशन कहलाता है। एलिट्रेशन तभी होगा जब केवल प्रथम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो। कौन सा हो? केवल प्रथम कॉन्सोनेंट साउंड लगातार शब्दों में रिपीट हो। जैसे मैंने कहा ना, चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को, सिर्फ च च च रिपीट हो रहा है, सेम शब्द नहीं आ रहा, पूरा शब्द ही रिपीट हो गया तो एलिट्रेशन नहीं, वो रिपीटेशन कहलाएगा। एसोनेंस में भी यही है, केवल वॉवल साउंड रिपीट होना चाहिए, पूरा शब्द नहीं। अगर पूरा शब्द होगा तो वो क्या कहलाएगा? वो रिपीटेशन कहलाएगा। तो अंतर इनका करना जरूरी है, एलिट्रेशन, एसोनेंस और रिपीटेशन का। विद्यार्थी सोचता कि अगर ब्रेक 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 तीनों ब से शुरू है तो एलिट्रेशन, नहीं, ब्रेक 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 में पूरा शब्द ही सेम है। एलिट्रेशन तो तब होगी जब केवल पहला साउंड क्या होता? सेम होता। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम कॉन्सोनेंट की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। जैसे आप देखिएगा, ओ हॉरर हॉरर हॉरर, ओ हॉरर हॉरर हॉरर। अब आपको यहाँ लगेगा कि ये एच यहाँ पे रिपीट हुआ, ये एच यहाँ पे रिपीट हुआ, ये एच यहाँ पे रिपीट हुआ, तो ये एलिट्रेशन है। अच्छा, ये एलिट्रेशन है कि नहीं है? अगर आप ये देखें, यहाँ पे है रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है? पूरा शब्द ही रिपीट हो रहा है, ओ हॉरर हॉरर हॉरर। तो ये एलिट्रेशन है ना, एसोनेंस है। अगर पूरा शब्द रिपीट हो रहा है तो इसे कहेंगे ये रेपिटेशन कहलाएगा, ये कहलाएगा रेपिटेशन, ये कहलाएगा रेपिटेशन कहलाएगा। इसमें कोई एलिट्रेशन नहीं है। अच्छा, ये हॉरर हॉरर हॉरर, ये शब्द आप में से कई लोगों ने अपने ग्रेजुएशन के दौरान मैकबेथ पढ़ा होगा। मैकबेथ में क्या होता है, जब डंकन की हत्या हो जाती है तो मैकडफ जब उसके कमरे में जाता है, उसकी डेड बॉडी देखता है, तो आते पहली पहली चीज़ जो कहता है वो क्या कहता है? ओ हॉरर हॉरर हॉरर। यानी एक आतंक का माहौल फैल जाता है पूरे के पूरे स्कॉटलैंड में, क्योंकि राजा की हत्या हो चुकी है।
तो ये रिपीटेशन किया है हॉरर हॉरर शब्द का, यानी वो कह ही नहीं पाता, उसके मुंह में अटक जाते हैं शब्द और कुछ कह ही नहीं पाता, इसलिए उससे रिपीटेशन होता है। ब्रेक 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 अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक एलेजी का नाम है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि इसमें क्या हो गया है, ये बे साउंड रिपीट हो गया है, ये बे साउंड रिपीट हो गया है, तो ये भी सोचेंगे कि ये ए साउंड रिपीट हो गया है, तो इसमें ना तो बे रिपीट हो रहा है ना ए रिपीट हो रहा है, ये पूरा का पूरा शब्द रिपीट हो रहा है, ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, शब्द रिपीट हो रहा है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। जब पूरा शब्द रिपीट होता है तो वो ना तो एलिटेशन कहलाती है ना एसोनेंस, वो क्या कहलाती है, वो कहलाता है रेपिटेशन, वो कहलाता है रेपिटेशन। तो मेरा उद्देश्य अभी यही है कि मैं ये क्लियर करना चाहूँ, एलिटेशन बच्चे जानते हैं, मुझे भी पता है ज़्यादातर बच्चे पहचान लेते हैं, लेकिन वो अंतर नहीं कर पाते एलिटेशन और रेपिटेशन के बीच में, वो सोचते हैं कि जहाँ भी पहला शब्द सेम दिखे बिना पढ़े एलिटेशन कर दो, ऐसा नहीं करना है, अगर पूरा शब्द सेम है तो वो रेपिटेशन कहलाएगा। अब आगे वाला पढ़िएगा, एस टी कॉलरिज की कविता थी राइम ऑफ एंशंट मैरिनर, राइम ऑफ एंशंट मैरिनर, उसमें वो लाइन कहता है फ्यूरो फॉलोड फ्री वी वर द फर्स्ट दैट एवर बर्स्ट इन टू द साइलेंट सी, ये लाइनें उसमें से ली गई। अच्छा आप ये देखिएगा, पिछले अपने सेकेंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ उसमें ये का यही पूछा गया, फ्यूरो फॉलोड फ्री ये किसका एग्जाम्पल है, और आप किसी भी स्टैंडर्ड एम एज इब्राहिम से लेके किसी भी स्टैंडर्ड बुक में आप देखेंगे तो आपको एलिट्रेशन का पहला एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल आपको उन किताबों में भी यही मिलेगा, फ्यूरो फॉलोड फ्री। अब इसमें देखिएगा केवल क्या रिपीट हो रहा है, एफ ये फ, बाकी पूरा शब्द सेम नहीं है, अलग अलग है ना, फ्यूरो फॉलोड फ्री तीनों अलग अलग शब्द हैं, इनकी केवल जो प्रारंभिक साउंड है, केवल जो प्रारंभिक व्यंजन साउंड है वो सेम है। अच्छा ये प्रारंभिक व्यंजन साउंड सेम होगी तब वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एलिट्रेशन, ये कहलाएगा एलिट्रेशन, जैसे कहते हैं हम अनुप्रास कहते हैं, ये कहलाएगा एलिट्रेशन, इसको हम एलिट्रेशन कह सकते हैं, ये कहलाएगा एलिट्रेशन। ओ डीप डीप डीप, अब हमें लगेगा कि ये ड ड और ये रिपीट हो रहा है या फिर ये वॉवल साउंड, नहीं ये पूरा शब्द रिपीट हो रहा है, ये पूरा का पूरा शब्द ही रिपीट हो रहा है, तो ये शब्द रिपीट हो रहा है तब ये एलिट्रेशन नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अपने रेपिटेशन। अब इसी देखिए लाइन को हम लिखें, डीप डाउन द डस्क, डीप डाउन द डस्क। अब इसमें ये देखिएगा, इसमें खाली पहले शब्द में जो ड है, दूसरे में भी जो ड शब्द है और तीसरे में जो ड शब्द है वो रिपीट हो रहे हैं, पूरा वर्ड रिपीट नहीं हो रहा, डीप 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 ये तो हो गया रिपीटेशन, लेकिन आप कहें डीप डाउन द डस्क, डीप डाउन द डस्क तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एलिट्रेशन, ये वाला जो है किसका एग्जाम्पल हो गया, एलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो गया। तो ध्यान रखिएगा एलिट्रेशन और रिपीटेशन में अंतर है, एलिट्रेशन में केवल प्रथम साउंड रिपीट होगा, कौन सा वाला प्रथम साउंड, वो भी नॉर्मली कॉन्सोनेंट का होता है, और रिपीटेशन में क्या होगा, पूरा का पूरा शब्द रिपीट हो जाएगा। अब आगे बात करें अगर हम कुछ और एग्जाम्पल की, देखिए मैंने आपसे कहा था वेस्ट विंड पूरी का पूरा खजाना है फिगर्स ऑफ स्पीच का, किसी बच्चे ने अगर वेस्ट विंड कविता को अच्छे से पढ़ लिया तो ये जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स सिमिलीज भी डाली गई हैं। आप जानते हैं हमने अभी सिमली पढ़ी, हमारे सिलेबस में सिमली मेटाफर है खाली। अब सिमली का एक वृत्त रूप होता है, वो होता है होमरिक सिमली, होमरिक सिमली, इसे एपिक सिमली भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, जैसे मैं आपको बताऊँ एपिक सिमली। अब आप ऐसी कविताएं पढ़ेंगे जिनमें आपको एडवांस भी, जैसे आप वेस्टविंड पढ़ेंगे ना, ये लाइन वेस्टविंड से ली गई है, वेस्टविंड से ली गई है, उसमें कॉम्प्लेक्स सिमली भी है, बड़ी बड़ी सिमली भी हैं, किसी ने वो कविता अच्छे से पढ़ ली तो उसके फिगर्स ऑफ स्पीच पूरे अच्छे हो जाएंगे। अच्छा एपिक सिमली में क्या होता है, जब एक सिमली लगातार लाइनों में आगे बढ़ती है, यानी 10 लाइन तक लगातार चलती है, होमरिक सिमली भी कहते हैं क्योंकि होमर ने इसको अपने टेक्स्ट में यूज़ किया था। अच्छा एपिक सिमली वो होती है जब लगातार कंपैरिजन होते ही जाते हैं, होते ही जाते हैं, होते ही जाते हैं, उसको कहते हैं पूरी टेक्स्ट में ही कंपैरिजन हो जाते हैं, तो वो कहती है होमरिक सिमली। अब होमरिक सिमली का कोई एग्जांपल दे ही नहीं सकते, मैं एक बार ये ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि होमरिक सिमली का क्या एग्जांपल, कितनी लाइनें लिख सकते हैं आप क्लास में। उस दिन मैंने शाम को एक गाना सुना, वो गाना आपने 1942 लव स्टोरी का सुना होगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा वो पूरा गाना ही सिमली में है, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे बन में हिरन, जैसे चांदनी रात, ये पूरे के पूरे कंपैरिजन में ही चलता है, जब एक कंपैरिजन लगातार चलता है उसको कहते हैं क्या, होमरिक सिमली कहते हैं। आप एक इंग्लिश के टेक्स्ट में ज़्यादा नहीं हो क्योंकि होमर यूज़ करता था,
तो होमवर्क असेंबली वो है जो लगातार चलती है, और आपको वेस्टमिन में जो है वो कॉम्प्लेक्स असेंबली मिलेगी, वो भी ऐसी होती है जो लगातार 5-6 लाइन तक चलती है। तो ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, इसमें आप देखिएगा ये सेकेंड ग्रेड में आया भी था, ये भी इस बार के अगर आप एग्जाम में देखें तो सेकेंड ग्रेड के एग्जाम में ये पूछा भी गया था, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। तो ओ वाइल्ड वेस्ट विंड इसमें क्या क्या रिपीट हो रहा है, ये डब्ल्यू रिपीट हो रहा है खाली, वह है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ये रिपीटेशन नहीं है, तीनों शब्द अलग अलग हैं, केवल प्रथम साउंड रिपीट हो रहा है। इसको आप कह सकते हैं क्या, इसको आप कह सकते हैं एलिट्रेशन, इसको आप कह सकते हैं एलिट्रेशन, ये अनुप्रास का उदाहरण हो जाएगा। साइलेंट सी स्पोक स्लोली, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं, साइलेंट सी स्पोक स्लोली, एस एस एस। अब आप देखिएगा शब्द सेम नहीं है, साइलेंट सी स्पोक स्लोली, शांत समुद्र ने धीरे से आवाज में कहा, पर्सोनिफिकेशन भी है कि नहीं है इसमें, है कि नहीं है, क्योंकि सी क्या है, इंसान नहीं है, और वो क्या कर रहा है, स्पोक कर रहा है, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन तो है ही, लेकिन वो भी है, एलिट्रेशन भी है, क्योंकि कौन सा साउंड रिपीट हुआ है, प्रथम साउंड रिपीट हुआ है। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, ये हो जाएगा एलिट्रेशन का ही। विन हिम इन दिस सिटी, विन हिम इन दिस सिटी, इसमें आप देखिएगा ये थोड़ा सा क्या है, इसमें ये वोवल साउंड देखिएगा, लगातार शब्दों में जो वोवल साउंड आ रहा है ना, ये ई ई ई का जो वोवल साउंड आ रहा है, इसमें वो रिपीट हो रहा है। अगर कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा था तो हमने कहा एलिट्रेशन, अगर वोवल साउंड रिपीट हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, ये कहलाएगा एसोनेंस, ये कहलाएगा एसोनेंस। इसको हिंदी में कहते हैं स्वर साम्य, स्वर साम्य यानी वो सेम सेम जो सेम स्वर साउंड रिपीट होता है उसको कहते हैं, यहाँ पे ई साउंड रिपीट हुआ। टेक टाइम टू ट्राई, टेक टाइम टू ट्राई, आप ये देखिएगा इसमें चारों शब्द अलग अलग हैं लेकिन की शुरुआत खाली सेम है, शब्द की शुरुआत किससे हो रही है, टी से हो रही है, ट से हो रही है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हो जाएगा एलिट्रेशन का। कम हिदर, कम हिदर, हिदर का मतलब होता है हियर, लिटरी भाषा में जो आर्किक भाषा है उसमें हिदर कहा जाता था हियर को। कम हिदर, कम हिदर, ये गाना था एज यू लाइक इट में, एमियंस का गाना था, उसमें वो शब्द है कम हिदर, कम हिदर, कम हिदर अंडर द ग्रीनवुड ट्री, उसमें ये लाइनें यूज की गई थी। अब आप देखिएगा कम हिदर, कम हिदर, इसमें पूरा का पूरा जो फ्रेज है ना, कम हिदर, कम हिदर, इसमें पूरा का पूरा फ्रेज रिपीट किया गया है, इसमें कोई एलिट्रेशन या एसोनेंस नहीं है, इसमें तो वर्ड भी रिपीट नहीं हुआ है, इसमें क्या हुआ है, पूरा फ्रेज रिपीट हुआ है, कम हियर, कम हियर। तो ये किसका एग्जाम्पल बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा रिपीटेशन का, ये बन जाएगा रिपीटेशन का एग्जाम्पल। तो ये ध्यान रखिएगा इन तीनों को हमें अंतर करना है, एलिट्रेशन, एसोनेंस और रिपीटेशन का। एलिट्रेशन में केवल प्रथम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है और एसोनेंस में वाउल साउंड रिपीट होता है, वो सेंट्रल नॉर्मली होता है, और रिपीटेशन में पूरा शब्द, फ्रेज या सेंटेंस या स्ट्रक्चर भी रिपीट हो सकता है, हमें इन तीनों को अलग करके देखना होगा। एलिट्रेशन अनुप्रास, एसोनेंस स्वर साम्य, और रिपीटेशन पुनरावृत्ति। और ये हमें लिटरेचर जब हम पढ़ेंगे, कोई भी कविता पढ़ेंगे, ड्रामा पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, तो हमें सारी चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो आप मान के चलते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच बच्चों को आनी ही चाहिए, उसमें प्रथम सिमिली, मेटाफर और कंपैरिजन था ही, एलिट्रेशन, एसोनेंस और रिपीटेशन भी है, पर्सोनिफिकेशन भी है, हाइपरबली, एलेजी, सोनेट, हम इन सब पे चर्चा करेंगे इस क्लास में लगातार। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दूँ इस एक घंटे की कक्षा में, मैं ज़्यादा समय बोलने पे बिताऊँ ना कि लिखने पे बिताऊँ, ताकि आपको मैं ज़्यादा एग्जाम्पल दे के इस चीज़ को और अच्छे से समझा सकूँ। तो मेरा प्रयास रहेगा अगले जितने भी दिन ये कक्षा रहेगी कि ये जो पूरा फिगर्स ऑफ स्पीच का पार्ट है, ये हर विद्यार्थी को, हर विद्यार्थी का मतलब है जो हिंदी मीडियम का था, जिसने शायद पहली बार लिटरेचर पढ़ा है, उनके लेवल पर भी मैं इसको बता सकूँ। आप आज वाली क्लास कोशिश कीजिएगा, जिन्होंने कभी लिटरेचर नहीं पढ़ा है, अगर आप इस क्लास को ध्यान से सुनेंगे तो आप भी ये फिगर ऑफ स्पीच समझ सकते हैं। हम बिल्कुल इसको हिंदी जो भाषा के बेसिक स्टूडेंट होते हैं उनके लेवल पे रखेंगे, हम बात पूरी करेंगे लेकिन रखेंगे किस लेवल पे, बिल्कुल हिंदी मीडियम का जो बच्चा जिसे अंग्रेजी से डर लगता है, उद्देश्य क्या है, अंग्रेजी सिखाना नहीं, पहले तो अंग्रेजी का डर दूर करना, जो डरते हैं वो जीत नहीं सकते। ध्यान रखिएगा फिगर्स ऑफ स्पीच अगर आपको आ गया तो लिटरेचर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। आप में से जो भी बीए भी कर रहे हैं, एमए भी कर रहे हैं, वो भी ये सोचते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर ऑफ तो कर लिया, अब पढ़ाए कौन, पढ़ें कैसे,
अच्छा, ज़्यादातर होता भी है कि हिंदी कर लेते हैं बच्चे कविताओं की और सोचते हैं कि हमने पूरी कविता पढ़ ली, और मार्क्स जब आते हैं तो 100 में से किसी के 40 आ रहे हैं, किसी के 42 आ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 80 आ रहे हैं। उनको 80 आने का कारण है कि वो सारे फिगर्स ऑफ स्पीच का अच्छे से एनालिसिस करते हैं और कविता का पूरा अच्छे से आंसर लिख पाते हैं जिनको ये फिगर्स ऑफ स्पीच आते हैं। अब मित्रों कुछ आप लास्ट में देखिएगा, मैंने अभी कुछ जो किया उसमें एक लास्ट और है ऑक्सीमोरन, है ना, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन होता है दो विरोधाभासी शब्दों को एक साथ रख देना, टू वर्ड्स ऑपोजिट इन मीनिंग पुट टुगेदर, दो शब्द जो एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, विरोधाभासी यानी ऑपोजिट हैं एक तरह से, उनको आप साथ में रख लें, साथ में रख दें तो वो क्या बन जाएगा, ऑक्सीमोरन बन जाएगा। ऑक्सीमोरन दो शब्दों के लेवल पे होता है, अगर पूरा सेंटेंस कर देंगे तो पैराडॉक्स बन जाएगा। ऑक्सीमोरन कंप्रेस्ड हो जाता है दो शब्दों में, पहला नॉर्मली एडजेक्टिव का काम करता है, दूसरा नाउन का काम करता है। जैसे हम कहते हैं ईमानदार बेईमान, ईमानदार बेईमान, तो ईमानदार बेईमान में क्या हो गया, ईमानदार तो हो गया ऑपोजिट शब्द किसका, बेईमान का, और हमने एक फ्रेज बना दिया ईमानदार बेईमान। हम कई बार कहते हैं जिंदा लाशें, जिंदा लाशें, अच्छा आप देखिएगा जिंदा शब्द और हमने साथ में जोड़ दिया लाशें, दोनों अलग अलग होते हैं, तो उनको एक शब्द में बना दोगे, एक फ्रेज में बना दोगे तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीमोरन कहलाएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप देखिएगा, जैसे मैंने कहा इनोसेंट क्रिमिनल, अच्छा क्रिमिनल तो हो गया अपराधी, और इनोसेंट का अर्थ हो गया मासूम, मासूम अपराधी, दोनों विलोम शब्द हैं, एक तरह से अपोजिट शब्द हैं, दोनों का कॉन्ट्रास्टिंग है, इन दोनों को मिला के एक फ्रेज बना दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऑक्सीमोरन। ये सारे एग्जाम्पल ऑक्सीमोरन के हैं। विजिबल डार्कनेस, डार्कनेस में कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन यहाँ पे कह रहा है विजिबल, दिखाई भी दे रहा है और डार्कनेस भी है, दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स हैं, एक फ्रेज बना दिया, ये बन गया ऑक्सीमोरन। आप ही देखिएगा अगले शब्द में देखिएगा आप ट्रेजी कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी शेक्सपियर के लिए कहते हैं कि शेक्सपियर ने कई सारे ऐसे प्ले लिखे जिन्हें ट्रेजी कॉमेडी भी कहा जाता है, अ विंटर्स टेल, टेम्पेस्ट, सिम्बेलिन, तीन तो विशुद्ध रूप से ट्रेजी कॉमेडी ही मानी जाती हैं। तो ट्रेजी कॉमेडी एक टर्म कॉइन हुआ जिसमें ट्रेजेडी भी होती है, कॉमेडी भी होती है। देखो ट्रेजेडी क्या होती है, ट्रेजेडी का मतलब है, ऐसा नहीं है कि ट्रेजेडी का मतलब रोना धोना और कॉमेडी का मतलब हंसना, हम ड्रामा को भी अच्छे से समझेंगे। ट्रेजी कॉमेडी जो शब्द बना वो किससे बना, ट्रेजेडी का मतलब है दुखांतिका, दुखांतिका यानी एक कोई सा भी ऐसा नाटक, फिल्म या कहानी जिसका अंत दुखद होता है। देखो किसी भी कहानी के दो ही अंत हो सकते हैं और कोई संभव ही नहीं है, ये दो अंत क्या हो सकते हैं, या तो हीरो हीरोइन मिल जाएंगे या मर जाएंगे, अगर मर गए तो ट्रेजेडी है और मिल गए तो कॉमेडी है। तो ट्रेजी कॉमेडी में क्या होता है, नहीं मिलते भी हैं मरते भी हैं हम ये नहीं कहेंगे, ट्रेजी कॉमेडी वो है जो लगभग ट्रेजेडी की तरह चलती है लेकिन लास्ट में आके थोड़ा सा उसका अंत जो है वो सुखद हो जाता है। तो ट्रेजी कॉमेडी को हम क्या कह सकते हैं, हिंदी में अगर कहें ट्रेजेडी है दुखांतिका, कॉमेडी है सुखांतिका, और ट्रेजी कॉमेडी को हम कहें तो क्या कहें, कभी खुशी कभी गम जो चलता है जीवन में, ये दोनों ऑपोजिट वर्ड हैं एक दूसरे के, तो ये कहलाएंगे ऑक्सीमोरन। ऑनेस्ट चीट, ईमानदार बेईमान, ऑनेस्ट चीट, अच्छा आप में से कई लोग इसको चीटर भी कहते हैं, ब्रिटिश में ये चीट होता है, अमेरिकन इंग्लिश में चीटर भी कहते हैं, तो ऑनेस्ट चीट, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, चीट यानी बेईमान, तो ये क्या हो गए, दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हो गए, ये भी ऑक्सीमोरन हुआ। हम कई बार कहते हैं ओपन सीक्रेट, खुला रहस्य, अब रहस्य तो फिर खुला है तो दोनों ऑपोजिट वर्ड हो गए ना, तो दो विरोधाभासी शब्दों का जो समुच्चय होता है ऑक्सीमोरन कहलाता है, दोनों शब्द क्या होंगे, विरोधाभासी होंगे। और भी इसमें एग्जांपल है, जैसे वाइस फूल, शेक्सपियर के प्लेस में एक फूल होता था और कहते हैं उस पूरे नाटक का सबसे समझदार आदमी भी वही होता था। एलिजाबेथन एज में कन्वेंशन था कि राजा जो था वो अपने दरबार में एक फूल को रखता था, फूल का मतलब होता है क्लाउन, एक जो मस्खरा होता है, ये मस्करी का पद उस व्यक्ति को दिया जाता था जो उस पूरे राज्य में उस पूरे दरबार में सबसे ज़्यादा समझदार हो, उसके पास ये अधिकार होता था कि वो राजा को भी कोई कमेंट कर सकता है, एकमात्र व्यक्ति जो राजा पे भी कोई कमेंट कर सकता है वो कौन होता था, फूल होता था। लेकिन ये फूल का पद किसको दिया जाता था, जो सबसे समझदार व्यक्ति होता था उस दरबार का, वहीं से ये शब्द बना वाइस फूल, समझदार बेवकूफ, तो ये दोनों शब्द क्या हो गए, विरोधाभासी हो गए। दो विरोधाभासी शब्दों का आप समूह या समुच्चय बना दोगे तो वो ऑक्सीमोरन कहलाएगा, है ना। होली सिन, पवित्र पाप, और लिविंग डेड, जिंदा लाशें। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे मित्रों इनके ऊपर, जैसे हमारा पहला जो है क्वेश्चन, हमने आज जो सेशन किया है उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा ये,
शी वॉक्ड लाइक हर सिस्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ. आपके पास चार ऑप्शन है इस सेंटेंस को पढ़िए. इसमें लाइक शब्द यूज हुआ है. शी वॉक्ड लाइक हर सिस्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ. चार ऑप्शन है, एक है सिमिली, एक है मेटाफर, एक है कंपैरिजन, एक है एलिट्रेशन. अगर आप इसमें से सही एग्जाम्पल पहचानना चाहें तो कौन सा होगा? शी वॉक्ड लाइक हर सिस्टर, इसमें सिमिली है कि कंपैरिजन है? इसमें मित्रों अगर आप देखें तो उसकी तुलना किससे हो रही है? अपनी बहन से. सही का पवन सिंह ने जो दिया आंसर सी, इसमें कंपैरिजन है, सिमिली नहीं है. सिमिली नहीं है क्योंकि उसकी तुलना अपनी बहन से हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. शी सिंग्स लाइक अ बर्ड. शी सिंग्स लाइक अ बर्ड, वो किसकी तरह गाती है? बर्ड की तरह. यहाँ पे भी लाइक हुआ है, तुलना किसकी हुई है? शी और बर्ड की. ये किसका एग्जाम्पल है? सिमली है, मेटाफर है, कंपैरिजन है या एलिट्रेशन है? अच्छा, अब इसमें सिमली है कि नहीं है? शी सिंग्स लाइक अ बर्ड. शी सिंग्स लाइक अ बर्ड. जितने भी आ रहे हैं, महिमा जी हैं, नवजोत जी हैं, आपके आंसर सही आ रहे हैं. ए ही है इसमें, सिमली है. क्योंकि सिमली क्यों है? क्योंकि लाइक से तुलना हुई है. किसकी हुई है? शी की हुई है. किसके साथ? बर्ड के साथ. शी एक ह्यूमन बींग है, बर्ड एक वर्ड है. दोनों की तुलना अगर लाइक से करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिमिली हो जाएगी. शी इज अ बर्ड. ये वाला देखिए, सबसे टेक्निकल जो है ना वो ये वाला होता है. शी इज अ बर्ड. शी इज लाइक अ बर्ड में तो आपको लाइक से पता चल ही जाता है, पर शी इज अ बर्ड, इसमें शी को सीधे सीधे क्या बुलाया गया है? अ बर्ड. अच्छा, इसमें मैं खाली यहाँ पे लाइक लगा दूं तो ये सिमिली बन जाएगी, शी इज लाइक अ बर्ड. पर यहाँ पे लाइक लगा हुआ नहीं है, तो शी इज लाइक अ बर्ड. बर्ड से तुलना हो रही है शी की बिना लाइक के. किसका एग्जाम्पल है ये? जी नवजोत राय, हाँ उर्मिला जी, सही आंसर आपका है बी, मेटाफर है ये. मेटाफर क्यों है? क्योंकि बिना लाइक और एस के तुलना हो रही है तो ये मेटाफर ही कहलाएगा. नेक्स्ट हम लेंगे, फियर फेल्ट द फ्यूरी ऑफ फेलियर. फियर फेल्ट द फ्यूरी ऑफ फेलियर. फियर फेल्ट द फ्यूरी ऑफ फेलियर. इसमें आप देखिएगा क्या हो रहा है. इसमें किसका एग्जाम्पल है? सिमिली है, मेटाफर है, कंपैरिजन या एलिट्रेशन है? सिमिली है, मेटाफर है. वैसे तो आप देखें तो इसमें पर्सोनिफिकेशन भी है, फियर को पर्सोनिफाई किया गया, लेकिन हमारे पास ऑप्शन तो है ही नहीं, तो हमारे पास जो ऑप्शन है उनमें से ये क्या आना चाहिए? जी बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं पवन सिंह के भी और नवजोत राय के, डी एलिट्रेशन. क्योंकि क्या रिपीट हुआ है? फे साउंड रिपीट हुआ है. नेक्स्ट, किल हिम इन इट नाउ. किल हिम इन इट नाउ इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसनेंस, मेटाफर, कंपैरिजन, एलिट्रेशन. अच्छा, इसमें आप देखें तो किस चीज की रिपीटेशन हो रही है? जो ई साउंड है इसकी रिपीटेशन हुई है. ये क्या कहलाएगा? अगर ई साउंड की रिपीटेशन हो रही है तो अगर सेम वोवल साउंड लगातार शब्दों में आता है तो वो क्या कहलाएगा? वोवल साउंड का रिपीटेशन कहलाएगा एसोनेंस. अगर कॉन्सोनेंट रिपीट होता तो एलिट्रेशन होता, लेकिन वॉवल होता है. पवन सिंह ने सही जवाब दिया, कोमल मीणा ने भी सही जवाब दिया, प्रतिमा दीन में सही जवाब दिया ए, एसोनेंस. ओ फील 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 इज एन एग्जाम्पल ऑफ. ये जो शब्द है फील फील फील, अब इसमें क्या रिपीट हुआ है? खाली फे हुआ है या पूरा शब्द रिपीट हुआ है, उसके आधार पर आपको बताना है. सिमिली, मेटाफर, कंपैरिजन या एलिट्रेशन. जो सिमिली है, मेटाफर, कंपैरिजन है या एलिट्रेशन है? अच्छा, इनमें आप देखें तो हम इसमें एक अलग एग्जाम्पल है. इसमें जो है पहली चीज तो है कि इसमें रिपीटेशन है. इसका एक अलग ऑप्शन हमें डालना पड़ेगा. इन चारों ऑप्शन में से नन ऑफ देम कर सकते हैं. इसमें क्या है? रिपीटेशन है, क्योंकि पूरा शब्द क्या हो गया है? रिपीट हुआ है ना. तो हमें पांचवा एक ऑप्शन लेना पड़ेगा, रिपीटेशन. तो ध्यान रखिएगा, पूरा शब्द रिपीट होगा तो वो रिपीटेशन कहलाएगा. इनमें से नन ऑफ देम होगा, है ना. नन ऑफ देम अगर आपके पास पांचवा ऑप्शन आता है वो. और लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है आज के सेशन का, द विंड विस्पर्स विस्पर्ड इन माई ईयर्स. द विंड विस्पर्ड, हवा ने क्या किया है? फुसफुसाया. विस्पर करना होता है किसी के कान में फुसफुसाना. अब हवा को इसमें क्या किया गया है? एसोनेंस, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन या एलिट्रेशन में से अगर हमें चुनना है तो क्या होगा? हवा विस्पर कर रही है, फुसफुसा रही है. अच्छा, फुसफुसा कौन सकता है?
इंसान फुसफुसा सकता है। अगर हवा जो नॉन ह्यूमन है वो फुसफुसा रही है तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हो जाएगा परसोनिफिकेशन का, ये हो जाएगा परसोनिफिकेशन का, मानवीकरण का। खैर मित्रों, आज मेरा प्रथम सेशन था यहाँ पे, हम रोज़ इसी समय पे ऐसे सेशन के साथ रहेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें समझा सकूँ, बोल सकूँ। कुछ क्वेश्चन भी हम डेली इसका रिपीट करेंगे। आज आपने मुझे इस सेशन को अटेंड किया, उसको आप कंटिन्यू रखिएगा और हम फिगर ऑफ स्पीच का पूरा टॉपिक अच्छे से करने के प्रयास करेंगे। आज के सेशन के लिए, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।